खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राज्य मुस्लिम खटीक समाज सेवा संस्था का कार्यालय बड़े ही अनोखे तरीके से उद्घाटन किया गया। कोल्हापुर सांगली में जो आपदा आई है उसकी मदद के लिए जान की बाजी लगा के लाखों जान बचाने वाले वीर जवानों को मुस्लिम दहेंडी पथक मानवी मनोवर लगा के सलामी दी और साथ ही सुतार प्लम्बर कड़िया जैसे 100 लोगों की टीम वहां मदद के लिए रवाना होगी। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे जहां महिलाओं का भी बड़ा ही योगदान देखा गया। यहां बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन, शिक्षा मंत्री आशीष शेलार, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हाजी अराफत शेख, नव भारतीय शिव वाहतुक संगठन की महिला राष्ट्रीय सचिवनी मदना शेख अपने सभी महिला कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित रही। तो आइए आपको ले चलती है इस कार्यक्रम में। और आप शानदार प्रोग्राम में उपस्थित पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हैं और विशेष रूप से जिनका स्नेह और प्रेम मेरे ऊपर सालों से रहा है और आज जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, ऐसे हमारे भाई नेता माननीय शाहनवाज हुसैन जी का जोरदार तालियों से हम लोग यहाँ पर स्वागत और सम्मान करें, जिन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया और जिनका मेरा भी घर जैसा रिश्ता है। ऐसे मेरे भाई हाजी अराफत शेख साहब, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित भाई और बहनों, तकरीर तो शाहनवाज हुसैन साहब की सुनना है, लेकिन आज राज्य मुस्लिम खाटीक समाज के ऑफिस का ओपनिंग भी अनोखे तरीके से हो रहा है। यहाँ पर ओपनिंग हो रहा है, लेकिन ये बात ख्याल में रखकर कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर सातारा सांगली के इलाके में जो मेरे भाई बहन रहते हैं, जिनके घरों में 10-10 दिनों से वो बारिश का बाढ़ का पानी पूरा का पूरा संसार बहा कर लेके गया, उस हमारे महाराष्ट्र के लोगों को हमें कुछ देना है, उनके लिए कुछ करना है। मिट्टी में ताकत है कि हम अलग अलग जात धर्म समाज राज्य में रहते हों, लेकिन हम सब भारतीय हैं और इस बार तो हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान है। और मैं मानता हूं कि आपदा के वक्त में कोई जात मज़हब नहीं देखा जाता, कोई राज्य नहीं देखा जाता, बल्कि सबको हिंदुस्तानी होकर काम करने की ज़रूरत है। हाजी अराफात ने बहुत अच्छी कोशिश की है, मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। कई लोग हमें बांटना भी चाहते हैं जी, उनके कोई बांट देखो, वैसी जैसे लोग हैं जो बांटेंगे, हमारे जैसे लोग हैं जो जोड़ेंगे, वो डायनामाइट की तरह तोड़ेंगे, हम फेविकॉल से जोड़ेंगे। जोड़ने का काम है, मोदी है तो मुमकिन है। देखिए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने चुनकर इनको पूरे माइनॉरिटी का कमीशन का पूरे महाराष्ट्र का चार्ज इनको दिया, तो सीएम कितने परखी आदमी है देख लीजिए। बात है ये जो कोल्हापुर के अंदर जो आपत्ति आई है, तो हमने ये सोचा कि इस वक्त पे मदद तो भेजना ही है। मैंने नव भारतीय शिव वाहतुक संगठन के सभी पदाधिकारियों को कहा कि महाराष्ट्र में कोई जो कोई भी मदद पहुँचा रहा है तो वाहतुक संगठन उनको 50 ट्रक, उसका डीजल का भी पैसा वाहतुक संगठन भरेगी और 50 ट्रक की मदद ही हम देंगे कि ताकि सभी संस्था वहाँ पे मदद पहुँचा सके। एक दूसरी चीज़, जो सोल्जर्स ने, जो मिलिट्री के लोगों ने, जो पुलिस के लोगों ने, जो गवर्नमेंट के कर्मचारी ने जो लोगों को मदद की, जो बचाने का काम किया, हजारों लोगों की जान जा रही थी उसको बचाने का जो काम किया, इसलिए खासतौर पर उनको सलामी हमने दी है। और ख़ासतौर पर 2 दिन पहले इमरान खान ने जो ट्वीट किया कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है, तो ये गलत बात है। मैं उनसे कहूँगा कि आप आपके देश की फिक्र करो, वहाँ के मुसलमानों की फिक्र करो, यहाँ के मुसलमानों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के मुसलमानों को और यहाँ पे अल्पसंख्यक समाज को देखने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर सक्षम है और यहाँ का मुसलमान अल्लाह पर बिलीव करता है। हम अल्लाह से दुआएँ मांगते और
हमारा अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है, उसके अंदर हमको कोई शक नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, ये देश गरीब नवाज का देश है, ये देश बाबा मखदूम का देश है, ये देश गरीब हाजी अली का देश है, ये सनाउल्लाह बाबा का देश है, ये मखमली पीर का देश है। इस देश के अंदर हर एक सुरक्षित है, कोई इस देश के अंदर बाकी की चीज़ बाहर से आके उंगली करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग यहाँ सेफ है और ये नज़ारा दिख रहा है, देखिए मुस्लिम हंडी पहली बार हो रही है महाराष्ट्र में, ये एक अपने आप में एक मिसाल है। आजीर फत जी, एक आप क्या खातिक समाज का एक ऑफिस आपने ओपनिंग किया, लेकिन ये ऑफिस की ओपनिंग में इतने हजारों की तादाद में लोग आ गए, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन आपने किया है। बिल्कुल, देखिए खातिक समाज एक छोटा समाज नहीं, बहुत बड़ा समाज है, 30 लाख की संख्या का वाला समाज है। इसके अंदर पूरे महाराष्ट्र भर में हम लोग जुड़े हुए, हमारा खानदान इतना बड़ा है। अगर हम एक खाली बांद्रा के लोग अगर इकट्ठा हो गए तो इतनी बड़ी ताकत नजर आ गई। हम लोग पूरे महाराष्ट्र से जब बाहर निकलेंगे तो सोचो कितनी बड़ी ताकत शक्ति दिखेगी। शक्ति प्रदर्शन किस बात का किया जा रहा है ये आप देखिए, शक्ति प्रदर्शन हम मदद के लिए कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन हम लोगों को मदद पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। और खास तौर पर जो माँ इंतजार कर रही है कि हमारे झोपड़े को रस्सी बांधने वाला कोई आएगा, हम उसके लिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सभी मंडलों को, महाराष्ट्र के लोगों को कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उधर मदद पहुँचाओ, ऐसे सुतार कड़िया इलेक्ट्रिशियन ऐसे लोगों को भेजो, जो हम 200 से ज़्यादा यहाँ से हमारे मंडल के लोग जा रहे, यही आपके सामने कहूँगा। एक आखिरी सवाल आपसे, कोल्हापुर के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्या बिल्कुल आपका हाजी अराफ अशेख आपका भाई बिल्कुल खड़ा है और इंशाल्लाह ताला जो मदद होगी बिल्कुल हम उसको मदद पहुंचाने का काम करेंगे। विकास करता है तो उसके साथ सिर्फ आदमी नहीं, महिलाओं का भी बहुत बहुत योगदान होता है। और हाजी अराफात भाई, इनका जो ये मुहिम है जातिवाद को साइड में रखकर, उन्होंने जो भारतीय लोगों के बारे में सोचा है, मेरे हिसाब से वही एक बहुत बहुत बड़ा कार्य होगा सभी भारतीय के लिए। और मैं क्या कहूँ, क्योंकि इस जगह को, यहाँ के कॉन्ट्रीब्यूशन को, जो नेताओं हमारे साथ जुड़े हैं कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर हमारे बांद्रा के, आप देखो, आप कहीं भी नज़र घुमाओगे आपको लगेगा कि वो सपोर्ट दिख रहा है। तो मैं बहुत बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी हाजी अराफात भाई को कि उनकी ये जो मुहिम उन्होंने शुरू किया है वो कामयाब हो और सभी लोग उससे जुड़े। हमारे साथ मदीना आपा हैं, आपा इन्होंने बहुत बहुत काम किया है, काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हैं, मैं तो अभी जुड़ी हूँ इनसे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेंथ है, मेरी स्ट्रेंथ, कम से कम मेरी स्ट्रेंथ जो है भाई के बाद, वो यही है। भाई बोलो, मैम क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर जिस तरीके से वातुक में बहुत कम महिलाओं का योगदान देखा गया, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से लोगों की मदद करने के लिए सारे लोग आए आज। आज यहाँ पर नव भारतीय शिव वातुक संगठना की एक ब्रांच का ओपनिंग हो रहा है और एक ब्रांच बन रही है, और ये जो हमारी राष्ट्रीय मुस्लिम खाटिक समाज संस्था जो है उनकी एक ब्रांच हो रही है। और जो समाज होता है, जो हमारा खाटिक समाज है, उस समाज की सेवा के लिए कोई अगर ब्रांचेस को उनके लोगों तक रीच आउट करना चाहता है तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हम हर एक इंसान तक पहुंचकर उनकी मदद करना चाह रहे हैं। आज एक ब्रांच का ओपनिंग हुआ राज्य मुस्लिम खाटिक समाज की, और साथ में हमने जो पूर्वग्रस्त है, जो कोल्हापुर सांगली सातारा, तो हमने उनको रसद पहुंचाने का काम, जो 7 ट्रक हमारी जा रही है, और उसके साथ सिर्फ हम रसद नहीं पहुंचा रहे, हम इंसानों की मदद भी पहुंचा रहे। कोई कारपेंटर जा रहा है, सुतार जा रहा है, कोई हेल्प जा रहा है, तो वहाँ पे हम हर तरीके से उनकी मदद के लिए, हमारा पथक है राज्य मुस्लिम खाटिक समाज जो है वो 30 लाख के करीब का समाज है। उसके साथ में आज आप देख रहे हैं कि बड़ी ताकत में, बड़ी तादाद में महिलाएं भी जुड़ रही है, वातुक पे भी जुड़ रही है महिलाएं, क्योंकि महिलाओं में भी जोश है कि जो प्रगति हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें इनका बराबर हिस्सा हो, इसलिए बहुत सारी महिलाएं हम वातुक पे भी जोड़ रहे हैं। आज यहाँ पर कितनी महिलाएँ आई है आप देख सकते हैं, ये सारी सलामी देने को आई है, वो जज्बे को सलामी देने आई है, जो मदद का जज्बा है, जो एक समाज की तरफ से, मुस्लिम समाज की तरफ से हम एक मदद का। और हमारा हिंदुस्तान, अगर एक इलाके में कहीं कोई तकलीफ आ जाती है तो हिंदुस्तान का हर एक बंदा चाहता है दिल से कि मैं कब उस तक पहुंचूं और कब उसकी मदद करूं, तो ये जज्बा आपको यहाँ पे देखने मिला होगा आज। लेकिन जो आज ये कार्य कर रहे हैं उसके लिए हम लोग सब महिलाएं साथ में जुड़ रही हैं, और सब चाहते हैं कि इससे और भी अच्छा, अगर हम लोग मिल के सब लोग और जाने का हम लोग को मौका मिले तो हम लोग वहाँ जाके भी उन लोग की मदद करने के लिए तैयार हैं।
इसके लिए आज जो अराफा साहब ने बोला उसके लिए बहुत बहुत उनकी तरफ से हम लोग सब लोग बधाई उनको देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, और हमेशा हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग उनसे मिलजुल के रहें, और जितनी भी हमारे साथ औरतें हैं और मदीना आपा हैं सबके साथ मिल के हम चाहते हैं कि जिसके मदीना आपा के साथ मिल के चाहते हैं कि जो भी और कमियाँ हैं और जितनी कमी है वो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कर सकते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि जितने भी बाढ़ जहाँ भी आई हुई है उन लोगों के हम लोग की तरफ से जितनी मदद हो हम लोग उतनी मदद करने को तैयार हैं।